कहते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू लिव लॉन्ग बी अ ट्रैवलर, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग इट गाइस. गॉड्स ओन कंट्री. वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन. आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. अभी तो मैं यू ऑल नो यू वुड हैव सीन माय अर्लियर वीडियो. अगर आपने उस वीडियो को मिस किया तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो. आई एम इन गॉड्स ओन कंट्री एलपूजा, विच इज़ कॉल्ड एलपी एंड इट इज़ हेवन ऑन अर्थ. हमने भी कुछ ऐसे ही आज हाउस बोट बुक किया है, विच इज़ अ टू बेडरूम हाउस. हम कंप्लीट 24 घंटे उस हाउस बोट में बिताएंगे एंड डेफिनेटली गाइज आई विल शो यू व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इज इट. यहाँ पे आपको ऐसे छोटे छोटे इतना बोट्स मिल जाएगा. दिस बोट एक्चुअली दे आर गेटिंग इट रेक्टिफाइड, गेटिंग इट मॉडिफाइड टू अ कैसीनो. तो यहाँ पे आपको अंदर कंप्लीट एक डिस्कोथेक मिलेगा. वहाँ पे ड्राइवर अपना बोट चलाएगा. आई डोंट नो इट्स कॉल्ड ड्राइवर वो पायलट और समथिंग. यहाँ पे एक वॉशरूम है. So New Year, guys, plan yourself for a bang. So that's it, guys. I'm leaving this room now. Yahan se nikal raha. Thank you being a part of me for the last 24 hours. I'll see you soon in this room. And as always, I do. I have already pasted my stickers. If you guys are coming, please search out Mountain Adventure Land. हमारा बोट ऑलरेडी इस तरफ आ गया है. सो वी आर लिविंग एंड इवन दिस रूम वी हैव लॉक्ड इट आउट. चलो संजय देखा हबे. आई सी यू सून. दैट वाज संजय. संजय इज रियली ऑसम गाई एंड ही इज फ्रॉम कैलकटा. असम एक्चुअली असम, बट ही नोज बंगाली वेरी वेल. सो पिछले एक दिनों में समझ भी नहीं आया. चलो आई सी यू सून. दैट वाज सजीव. I'll put Sajeev number so that if you guys are coming over here, आप लोग इनको ढूंढ के आ सकते. He is very helpful man. He has helped me for last one day. I'll see you soon. Thank you. So that's our boat. Which boat? That one. That's a two bedroom, but so many people are there. So finally the wait is over. हमारा boat आ गया है. So this would be our next 24 hours ride. Now the boat looks fine. It's cool. Huh? Cool. It's look antic. अपना बोट आ गया है. अपना बोट आ गया है. आ गया आ गया आ गया आ गया. So that's the boat for next 24 hours. Fairy Queen 1. सो पहले मैं सारे अपना लगेज उठाता हूँ, फिर आपको डेफिनेटली बोट का टूर दूंगा एंड आई डेफिनेटली गिव ऑल लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो सो दैट इट्स गेट्स हैंडी फॉर यू गाइस. टू टेक यू ऑन अ रूम टूर ऑफ द हाउस बोट, दिस इज द फ्रंट डेक वेयर यू हैव इवन अ डाइनिंग टेबल. यहाँ पर द फ्रंट व्यू. यस दैट्स द मैन फॉर द डे एंड द इवनिंग. और आगे आगे चलते, आगे आपको क्या मिलेगा. नाउ वंस यू एंटर द डेक, आपको यहाँ पे वन रूम मिलता है. दिस वन रूम विच इज लॉक बिकॉज वी हैव टेकन ओनली टू रूम्स. सो यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे एक रूम है. सो दिस इज वन रूम ओवर हियर जिसमें यहाँ पे इस रूम पे यू गेट अ डबल बेड साइज रूम. दिस अटैच बाथरूम विच इज वेरी क्लीन ओके काइंड ऑफ. और यहाँ पे एक फैन है, सीलिंग फैन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रात को एसी चलता है, द एसी डजंट वर्क नाउ एंड दैट्स मी गाइस, दैट्स मी. और एक और रूम है, ये लॉक है, कल रुक रहे हैं. तो देयर इज अनदर रूम. सो यहाँ पे एक और रूम है. ये रूम बोट हिल रहा है. द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी. यहाँ पे एक वॉशरूम है. द बेडरूम लुक्स क्वाइट नाइस एंड लेट्स गो ऑन द फ्रंट बैक साइड ऑफ द डेक. यहाँ पे मेन दिस इज अ किचन ओवर हियर. सो या दैट्स अ किचन. द विच फिश ओके ओके ओके. किचन में खाना वाना बन रहा है एंड द बैक साइड देयर आर सो मेनी शिप्स कमिंग.
और फ्रंट साइड में चलते हैं बॉस, दिस इज टू ऑसम टू गुड। ये एक रूम हो गया, दिस अनदर रूम और इट्स अ क्वाइट बिग। तो आपको यहाँ पे चारों तरफ, आई डोंट नो इट्स विजिबल और नॉट बिकॉज अभी धूप बहुत है, तो मैं शाम को दिखाऊंगा। ये चारों तरफ ये 68 किलोमीटर जुर के देयर इज पैडी फील्ड्स एंड ये जो लेक है, ये दिस लेक गोज एंड कनेक्ट टू द मेन सी। वो ज़्यादा अंदर मतलब बाहर नहीं, अंदर ही रहना है। एंड रूम इज रियली गुड यार, मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को, हैंड वॉश एंड इफ यू स्टैंड हियर यू सी दिस। हाँ यहाँ से दिख रहा है ना, दिस आर ऑल लैंड एक्चुअली एंड दैट इज 68 किलोमीटर्स गाइस। मतलब ऐसे नहीं कि पास पास है, ये 68 किलोमीटर्स दूर है। एंड आज का लंच क्या मिलेगा पूछ लेते हैं। आज का लंच पे क्या मिलेगा, लंच नहीं क्या क्या, फिश एंड राइस, राइस फॉर लंच वी आर गेटिंग फिश राइस वेजिटेबल दाल। ओके नाउ टॉकिंग अबाउट द प्राइस, एक काम करते हैं यहाँ पे ड्रोन उड़ाते हैं अभी, तो ड्रोन शॉट वुड बी रियली ऑसम। चलो लेट्स डू अ ड्रोन शॉट नाउ। सो आई वॉज टेकिंग अ रेस्ट अ बिट, मैं यहाँ पर थोड़ा बैठ के, एंड गाइज मेरा एडिट भी हो रहा था, मैं आई नीड टू अपलोड यस्टरडेज व्लॉग। और अभी जगह पे ये बोट एक जगह पे रुका हुआ है विच इज़ ऑन अ लैंड, यहाँ पे फिशेज मिलता है, तो वी नीड टू बाई फिशेज एंड गिव इट टू देम फॉर अ फ्रेश कैच एंड अ फ्रेश कुक। चलो आप लोग आ रहे हो, कम आ जाओ, आ जाओ कुछ जा भी, चल भी चल। आ रहे हैं क्या तुम लोग? यू गेट क्रैब्स, वाओ लॉबस्टर्स, दीज आर लॉबस्टर्स एंड दिस वन, अच्छा एगुलो सेई माछ गो, भेटकी भेटकी भेटकी, ना ना एगुलो भेटकी, किंगफिश। These are the mega prawns, huh? Mega lobsters. That's the eagle in my hand. अच्छा है ना? Cute. So finally we are done with the fishing purchasing. तो हमने लिया किंग फिश, प्रॉन्स एंड सुरमई। सो वी हैव ऑलरेडी गिवन इट टू अ कुक फॉर कुकिंग। सो दिस वॉज अ प्लेस विच वॉज रियली नाइस ऑसम। तो अभी चलते हैं बोट के अंदर एंड डेफिनेटली विल ट्राई टू शूट समथिंग इन द किचन।
So the lunch is over here. Lunch mein kya kya diya? We have got rice, dal, vegetable, fresh catch fish, and this is karimin, and the prawns. Yeah, prawns, which we wanted, which we gave them. And here is sambar, papad also. So after a great meal, बहुत मस्त खाया हमने खाना. खाना खाने के बाद अभी थोड़ा एक लैंड पे आए हैं, एंड दिस इज द हाउस बोट. द वाटर एवरीवेयर इज वाटर एक्चुअली. आपको पानी, आई एम डैम श्योर द वाटर इज ऑल्सो विजिबल. तो हम यहाँ पे खड़े खड़े रिलैक्स कर रहे हैं. दिस इज रियली मेस्मराइजिंग गाइज. आप लोग अगर नहीं आते हो तो आई डोंट नो द कैमरा इज डूइंग अ जस्टिस आर नॉट. आई डोंट नो द लेंस इज डूइंग अ जस्टिस आर नॉट. मेरा बोट तो हल्का और आगे पीछे निकल गया, बट नो वरीज, रस्सी पकड़ के खींच लूँगा मैं तो मेरा बोट वापस आ जाएगा. सो वी आर जस्ट रिलैक्सिंग नाउ. देर आर लॉट ऑफ बोज ऑफ बोट्स ओवर हियर. इन लोग का हो सकता है कि लोग यहाँ पे खड़ा करते हैं. खड़ा करने के बाद दे हैव देयर लंच. द लंच वॉज रियली नाइस, लाइक केरला मील एंड फिशेज एंड ऑल. तो कुछ फिशेज हमने खरीद के दिया है, विच ऑल्सो इट्स द फिशेज आर बिट एक्सपेंसिव, बट इट्स फाइन. सो फार सो गुड. सो अभी कुछ फोटोग्राफी करते हैं बिकॉज इट्स वेरी हॉट ऑल्सो. एंड एयर कंडीशन गाइज, एयर कंडीशन दे नॉट स्विच इट ऑन ड्यूरिंग द डे टाइम. दे स्विच इट ऑन ओनली इन द इवनिंग. ग्रीन पैरिफिल्स, इतना सुंदर. सीरियसली गाइज, एंड आई विल से यू समथिंग. ये जो आपको दिख रहा है ना, इसके बाहर, इसके बाद, इट्स ऑल सी. जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम सजीव फ्रॉम द होटल, द नाइस गाई. मैंने अपना गाड़ी का विंडो, ड्राइवर सीट का विंडो मैं खोल के आ गया हूँ. देयर इज अ बिट टेंशन बिकॉज अगर कोई मेरा दरवाज़ा खोलने की कोशिश करे तो दरवाज़ा ऑटोमेटिक, इट हैज़ गॉट अ सेंसर ऑफ बजर विच विल रिंग. वो फिर और मुसीबत होगा. एंड देयर इज अ एक्सपेंसिव म्यूजिक सिस्टम विच इज़ देयर इन द व्हीकल. बट अभी जाना भी मेरे लिए मुश्किल है बिकॉज आई हैड अ वर्ड विद द बोट गाई. आई वॉज आस्किंग कि कैन यू टेक द बोट ऑन द लैंड जहाँ पे मैंने अपना गाड़ी पार्किंग करके रखा है. सो ही वाज सेइंग इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज वी हैव कम अक्रॉस अराउंड 15-20 किलोमीटर्स ऑन द रिवर. सो यस, हल्का टेंशन है बिकॉज गाड़ी का ग्लास ओपन है. एंड ही हैज डन अ वीडियो ऑल्सो आई गेस. इट्स नॉट अ वीडियो, उसने भेजा है. इफ यू कैन सी माई ग्लास इज ओपन. तो गुड न्यूज गाइज, सजीव हैज डन अ वंडरफुल जॉब फॉर मी. मेरा गाड़ी को उसने ऐसे करके विंडो पैक कर दिया है. आई एम नॉट श्योर इफ इट्स विजिबल. उसने क्या किया है, पुट सम कार्डबोर्ड और उसको रस्सी दे के बांध दिया है. स्टिल इट्स अनसेफ, बट एटलीस्ट सेफ दैन नॉट पुटिंग एनीथिंग. सो अच्छा है. इट्स रेनिंग आउटसाइड नाउ. सो रेनिंग इन द सेंस ड्रिजलिंग आउटसाइड. थोड़ा फोटोग्राफी करते हैं. एंड द वेदर इज क्वाइट कूल चिल. और थोड़ा मस्ती करते हैं, फिर शाम को देखते हैं क्या किया जाए. शाम को बज गया 5. अभी आई जस्ट पास्ड ऑन फॉर अराउंड हाफ एन आवर, आधा घंटा मैं सो गया था. मैं अरे वोक अप वेयरिंग अ लुंगी, दैट्स द बेस्ट पार्ट. और यहाँ पे यही है, हाउस बोट में कुछ करने के लिए है नहीं. आप टाइम पास करो, कुछ करो, खाना पीना खाओ. दे आर गेटिंग अस लाइक कॉफ़ी एंड टी. इससे ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं. और यहाँ पे बैठे बैठे पूरा दिन बिताओ, एंजॉय करो. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग गाइस. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ दिस हाउस बोट. दिस हाउस बोट एक्चुअली आई गॉट इट फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड विद रेफरेंस फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड. तो मेरे को ज़्यादा देना नहीं पड़ा पर रूम बिकॉज दिट्स अ डबल बेडरूम हाउस बोट. सो पर रूम फॉर टू पीपल आई पेड 6,000 रुपीज. सो हम एक दिन रह रहे हैं, फॉर टू रूम्स आई पेड 12,000 रुपीज. दैट्स अ गुड डील बिकॉज मैंने यहाँ पे सुना है, बाहर जितना भी लोगों से मैंने बातचीत किया है, पीपल हैव आस्क्ड अराउंड 13,000-14,000 रुपीज फॉर टू रूम्स. सो आई फील दैट्स अ गुड डील विच आई गॉट इट. इन केस इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, मैं आपको लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. मैं यू कैन कॉल अप दिस हाउस बोट लैंड ओनर एंड यू कैन रेफर माई नेम. एंड डेफिनेटली इफ यू टेक माई रेफरेंस यू विल गेट अ 5% डिस्काउंट ऑन इट. दैट इज अश्योरेंस. नॉट टॉकिंग अबाउट द होटल, द होटल में भी मैंने बात करके रख लिया. आई विल पुट टू नेम्स एंड नंबर.
उस रिसॉर्ट पे आप बात कर सकते हो, यू ऑलरेडी सॉ द रिसॉर्ट इज सो वंडरफुल, वहाँ पे रहो देन यू गेट अ फील ऑफ अ हाउस बोट एंड ऑल, तो वहाँ पे आप रह सकते हो। वहाँ पे भी आप अगर मेरे रेफरेंस से आओगे तो यू गेट अ 5% डिस्काउंट ओवर एंड अबाउट, दे विल गिव यू सम डिस्काउंट इफ इट्स ऑफ सीजन। सो यहाँ पे अभी ऑफ सीजन नहीं है, यहाँ पे दिसंबर मंथ है, दिसंबर मंथ पे इट्स अ कम्प्लीटली सीजन मंथ बिकॉज फॉर केरला इट्स अ विंटर, सो विंटर में यहाँ पे सीजन होता है, तो ऑब्वियसली यू डोंट गेट अ डिस्काउंट, बट एटलीस्ट आई अश्योर यू गाइज 5% डिस्काउंट ऑन बोथ हाउस बोट एज वेल एज अ रिसॉर्ट। सो एनी वे गाइज अभी चलते हैं, अभी चल के पहले कॉफ़ी पीते हैं बिकॉज यहाँ पे कुछ करने के लिए है नहीं, शाम ढलने दो, शाम ढलने के बाद इसका नज़ारा कुछ और होगा। मैंने कुछ ड्रोन शॉट लिया है यहाँ पे, आई एम शो यू द ड्रोन शॉट्स, आप देख लिए होंगे, और कुछ और ड्रोन शॉट मैं लूँगा मैं शाम को। अभी थोड़ा हवा है बाहर, आई एम स्केयर्ड टू फ्लाई माई ड्रोन, अगर हवा में कुछ हो गया बॉस, अगर GPS कैच नहीं कर पाया तो ड्रोन सीधा पानी में एंड माई 50,000 ड्रोन विल गो फॉर टॉस। सो जिसकी वजह से मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ, बट शाम को कहीं लैंड पे जा रहा है तो मैं ड्रोन उड़ाऊँगा, आई ट्राई टू शो यू द ब्यूटी ऑफ दैट वाटर्स ऑफ केरला। सो विद दैट सेट गाइज अभी मैं चल रहा हूँ, अभी कॉफ़ी वॉफी पीते फिर आ गया। शाम ढल गया और हमारा बोट भी किनारे में लग गया है। सो यहाँ पर सीन ऐसा है कि पूरी रात यहीं पर बोट रुकेगा एंड आवा हाउस बोट साइड, दिस इज़ माई रूम एक्चुअली, दिस इज़ माई मॉम एंड डैड्स रूम का विंडो है, वो हमारा रूम का विंडो है। यहाँ पे एक कॉमन सा वॉशरूम है, वॉशरूम के एक और उन लोग का किचन का विंडो है एंड अदर साइड दिस द बोट का एंड है और वहाँ पे एयर कंडीशन का आपको ये मिल जाएगा। सो दैट्स द थिंग गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी थर्स्टी, तो कुछ कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए चलते हैं और यहाँ पे केरला आयुर्वेदिक मसाज भी होता है। सो So the back side, is the Shantigiri, Ayurvedic Massage Center. Achha, we'll go for this one. अभी चलते ना कोल्ड ड्रिंक खरीदते पहले। कोल्ड ड्रिंक शॉप किधर होगा? हाथ से तोड़ लेगा और पानी पीते। ये देखिए ये कितना नज़दीक में, नीचे भी है। That's awesome, यार। यहाँ पे केरला में कलर्स ऐसे मिलता है बिकॉज बैंगलोर में जो मिलता है दैट इज अ ग्रीन वन, बट इन केरला दिस इज समथिंग डिफरेंट, अ रेडिश कलर। और मैंने इसको पी के देखा, इसका वाटर टेस्ट इज अ बिट स्वीटर देन द बैंगलोर वन। सो आई डू सम फोटोग्राफी फिर वीडियोग्राफी। इट्स 1848, इतना अंधेरा है, आई वोंट से मच्छर है बट छोटे छोटे कीड़ा है जंगल के बाहर, इतना कीड़ा है कि मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू अपलोड अ वीडियो, मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली अभी तक 24% हुआ है विच आई कैन शो यू, तो 24% हुआ है, आई डोंट नो ये कब होगा यूजिंग अ जियो, इफ जियो गाइज आर वॉचिंग आई डोंट नो वॉट यू गाइज डूइंग। सो जियो बोलता है सबसे इंडिया का सबसे अच्छा नेटवर्क है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड ऑल, सक्स एट एलपी। सो एनी वे गाइज अभी तो यहाँ पे बैठे बैठे टाइम पास करना है और कोई काम है नहीं बिकॉज आउटसाइड इज कम्प्लीटली डार्क इनफ सो दैट यू गाइज कैन नॉट सी एनीथिंग इवन, और रूम का भी हाल कुछ ऐसा ही है, एक रूम पे हमारा एसी चल रहा है, दूसरे रूम पे नहीं चल रहा है, कह रहे हैं कि आ जाएगा लाइट, करंट आ जाएगा रात को 9 बजे के बाद, द रूम वुड बी क्वाइट कूल एनफ, तो देखते उस टाइम पे देखेंगे। फिलहाल तो मेरे घर में एसी चल रहा है एंड यहाँ पे एसी इज क्वाइट ओके, तो मैं ऑलरेडी फ्रेशन अप हो लिया, माई डॉटर इज़ गेटिंग फ्रेशन अप और हम लोग डिनर टेबल में बैठेंगे कुछ 9:30 बजे, तो तब तक मैं कोशिश करता हूँ वीडियो अपलोड करने का और अपलोड करके आप लोग ताकि देख पाए, तो सी यू इन द डिनर टेबल। द डिनर हैज़ बीन सर्व्ड ऑलरेडी और अब बज रहा है कुछ 8:30 बज गया है अभी, सो विल हैव डिनर ऑलरेडी, अंधेरा हो गया है, लाइट इज क्वाइट डार्क, बट खाने में क्या क्या मिला है आज, रोटी है, सब्जी है, अंडा है, चिकन है एंड फिश है एंड लेमन राइस।
सो गाइज व्हाट आई विल डू इज दैट अभी खाना खा लेते हैं बिकॉज काफ़ी डार्क है. सो आई गेस आई एम डैम श्योर यू आर अनएबल टू सी. पहले खाना खा लेते हैं, खाना खा के रूम पे चलते, रूम पे थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा बात करके सो जाएंगे बिकॉज वेरी टायर्ड सिंस मॉर्निंग यू आर रूमिंग. और यहाँ पर टायर्ड इन द सेंस बैठे बैठे थकान हो गया है. सो लेट मी हैव अ फूड, गो टू रूम एंड देन विल टॉक एंड एंड दिस वीडियो. क्या हो गया, शायद डीजे बंद हो गया, इसी तो अभी भी चल रहा है. अभी जस्ट खाना खाया, खाना बहुत अच्छा था, लेमन राइस, चिकन, फिश, एग करी, सब कुछ एक साथ था. सो वी एंजॉयड अवर फूड. और रात हो गया, अभी सोने जाएंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी 9 PM. 9 बजे के बाद और कुछ करने के लिए है नहीं यहाँ पे. यू ऑल सॉ इट्स कम्प्लीटली विलेज रिमोटली. आज का दिन बहुत अच्छा रहा यार, मतलब यू कैन से इट वॉज अ रियली अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर एवरीबडी ऑफ अस. सो या दैट्स इट. विद दैट सेट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड Do take care. God bless you. Bye-bye. I'll see you tomorrow on a brand new day, on a brand new episode. Until then, bye-bye and take care. I'll see you tomorrow morning. Kal ka din hamara bahut acha rahega. Tomorrow morning, we will get up. We'll have a breakfast. 10 kilometer ka boat ride hai and to my vehicle. And hum log ye ja rahe hain. Trivandrum. Correct. So tomorrow, we are going to Trivandrum. Trivandrum mein, we would be going to Kovalam Beach. Kovalam Beach se we'll go to, there's another beach called Varkala or something like that. I'm not sure about it. So okay guys, good night. Thank you for watching this video once again and do take care. God bless you. Bye bye. I'll see you tomorrow on a brand new day with a brand new episode. Until then, good night and take care. Bye, Papa.